तो मैं कह सकता हूं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। झारखंड सरकार की तड़े सड़े 3 साल हो गए, ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है, ना नियोजन नीति बना पा रही है। और बहाली की बार बार बात कर रहे हैं, लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय नियोजन नीति बनाइए और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में झारखंड की बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है। झारखंड सरकार ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पुलिस को एक टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक अदावत को उससे कैसे निपटे, उस काम में पुलिस को लगा रखे हैं। और इसलिए जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि वो पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या कहते हैं उसको, वसूली में लोग लगे हुए हैं। और वसूली तो अपराधी से हो सकता है, सज्जन पुरुष से तो नहीं हो सकता है। इस कारण से राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। लगातार आप देखते होंगे आए दिन, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे राज्य से राजधानी से बाहर का कोई भी जिला हो, सब जगह आप देखेंगे आए दिन हत्याएं हो रही है। और उसका मैं जीता जगता 2-3 उदाहरण दूंगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है, और पुलिस को किस प्रकार से वो उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। और एक एसपी मतलब आप सब लोग जान ही रहे हैं, समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं, बताओ पहले समझा दे, वो धनबाद के एसपी है। इसलिए डीआईजी में उनका प्रमोशन नहीं हुआ, जो बताया गया कि उनका जो ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग नहीं हुआ। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अभी जो एसपी लोगों का प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन हुआ डीएसपी से एसपी में, और उनको जिला भी आवंटित कर गए, कहीं कहीं ज्वाइनिंग भी लोग कर लिए। उसमें सामान्य नियम होता है कि चूंकि वो राज्य सेवा में सारे पदाधिकारी थे, और इसके बाद अब केंद्रीय सेवा में आए, आईपीएस में उनका प्रमोशन हो गया, तो नियमता उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो आप इससे देखिएगा कि सरकार कितनी हड़बड़ी में है, कितनी पुलिस तंत्र को दुरुपयोग कर रही है। एक और एक पुलिस अफसर का प्रमोशन इसलिए वो नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि हम एसपी ही बने रखे, और सरकार में बैठे हुए लोग भी चाहते थे वो एसपी ही बने रहे, इसलिए वहां ट्रेनिंग का हवाला दिया गया। और दूसरे और जिनको आईपीएस का दर्जा मिला तो उनको तो ट्रेनिंग होना चाहिए केंद्रीय सेवा में, किस प्रकार से जो वो नॉर्म्स है, कोई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, आप किसी भी पुलिस सीनियर अफसरों से आईपीएस अफसरों से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये साफ है कि पुलिस को ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं, और उसका ये दुष्परिणाम ये होता है लगातार हत्या। उसमें भी हम देखेंगे कि खास करके जो ट्राइबल युवक है, जो टैलेंट है, वो उसके शिकार हो रहे हैं। चाहे कोई बिजनेस करता हो, कोई व्यापार करता हो, उसकी एक लंबी फेरिस्त है, मैं उसके नामों की यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं। या पदाधिकारी भी सरकारी नौकरी में भी जो पुलिस पदाधिकारी में रहे हैं, तो उनकी भी हत्याएं हुई, और आए दिन घटनाएं हो रही हैं इस राज्य के अंदर में। संथाल परगना में तो चाहे वो संथाली महिला हो, चाहे वो पहाड़िया हो, इसके साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हुई और उनकी हत्याएं होती है, वो हम सब लोग के सामने बिल्कुल जग जाहिर है। आप सब लोग ही प्रत्येक दिन मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लाते रहे,
तो मैं कह सकता हूं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। दूसरा जो मामला है नौजवानों से जुड़ा हुआ, झारखंड सरकार की तड़े सड़े 3 साल हो गए, ना वो स्थानीय नीति बना पा रही है ना नियोजन नीति बना पा रही है। और बहाली की अब बार बार बात कर रहे हैं, लड़के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए और थर्ड और फोर्थ ग्रेड में झारखंड के बच्चों की आप बहाली करिए। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, इनको झारखंड की बच्चों की दर्द से तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। 26,000 वैकेंसी तो निकालने जा रही है सरकार। वही तो कह रहे हैं ना कि जब स्थानीय और नियोजन नीति नहीं है तो किस आधार पर आप बहाल करेंगे और झारखंड की बच्चों को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये तो सरकार को बतानी पड़ेगी ना।